अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः स्थावरं जंगमं व्याप्तं यत्किंचित् सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणो त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणो त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं गुरुदेवदेव परमात्मा को देखने की दो दृष्टियां, एक परमात्मा के दृष्टि से जगत कैसा है और दूसरी हमारे दृष्टि से परमात्मा कैसा है। इन दो विचारों का मिलन जिस प्रयागराज में हो जाता है वहां तीर्थ स्नान वही अपरोक्षानुभूति। श्री कृष्णा नारायण यदक्षरमनाख्येयम् आनंदमजमव्ययम् श्रीमन्निवृत्तिनाथेति ख्यातं दैवतमाश्रये गुरुरित्याख्यया लोके साक्षाद् विद्या हि शांकरी जयत्याज्ञानमस्तस्यै दयार्द्रायै निरन्तरम् सार्धं केन च कस्यार्धं शिवयो समरूपिणोः ज्ञातुं न शक्यते लग्नम् इति द्वैतच्छलान्मुहुः अद्वैतमात्मनस्तत्त्वं दर्शयन्तौ मिथस्तरां तौ वन्दे जगतां माध्यौ तयोस्तत्त्वाभिपत्तये
मूलायाग्राय मध्याय मूलमध्याग्रमूर्तये क्षीणाग्रमूलमध्याय नमः पूर्णाय शंभवे। हम लोग 40वें ओविसे पढ़ेंगे। जया प्रिया चे जे आंग जो प्रिय जिये चे चांग कालवनी दोनी भाग जेविते आहाती जैसी का समीरा सकट गति का सोनिया सकट कांति तैसी शिवेशी शक्ति आघवी सजे का कस्तुरी सकट परिमण उष्मे सकट अनण तैसा शक्तिशी केवल शिवची जो राती आणी दिवो पातलिया सूर्याचा ठावो तैसी आपुला साची वावो जिये दोघे किंबहुनातिये प्रणवाक्षरी विरूढतिये दशेची ही वैरिये शिवशक्ति हे असो नाम रूपाचा भेदशिरा गिळीत एकार्थाचा उजिरा नमोतया शिवगोहरा ज्ञानदेवो म्हणे जया दोघांचा आलिंगनी विरोनी गेली दोन्ही आवघियाची रजनी दिठीची जे हे असो। भगवान ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं यह द्वैत में अद्वैत का प्रतिपादन किसी भी प्रकार से करते जाए तो आखिर में व्यक्ति ऐसे स्थान पर पहुंच जाता है कि जहां पहुंचने के बाद द्वैत का अर्थ द्वैत है और अद्वैत का अर्थ अद्वैत है, ये दोनों शब्द निरर्थक बन जाते हैं। इसीलिए कहते हैं हे असो नाम रूपाचा भेदशिरा, नाम और रूप इनमें जो भेद है अलगाव है वह वास्तविक नहीं है। हमारे संस्कृत साहित्य में जो भाषा शास्त्र है उसमें ये विचार आता है प्रत्येक वस्तु अपना नाम जाहिर कर देती है, तो नाम और नामी क्योंकि उनका व्यवहार करना होता है इसीलिए उनको अलग से कहा जाता है। वैसे देखा जाए तो नाम और नामी कभी भी दो नहीं रहते। तो नाम रूपाचा भेदशिरा गिळीत एकार्थाचा उजिरा, जब हम कहते हैं सोने की अंगूठी तो अंगूठी तो हो गया नाम और एक गोलाकार हो गया उसका रूप, यह नाम रूप दो हो गए, अंगूठी नाम और गोलाकार रूप, तो नाम रूपाचा भेद शिरा ये दोनों एकत्र कहां हो गए गीत एकार्थाचा उजिरा, ये दोनों के दोनों सुवर्ण में आकर के दोनों में जो भेद दिखता है नाम और रूप का वो दोनों भेद समाप्त तो हो गया। तो सुवर्ण की दृष्टि से जब हम अलंकारों को देखेंगे तो नाम रूप का कोई महत्व नहीं है, परमात्मा के दृष्टि से जब जगत को देखेंगे तो किसी भी प्रकार के द्वैत का कोई अर्थ नहीं है। और नाम रूप की दृष्टि से परमात्मा कैसा है उसका जब अवलोकन करेंगे
तो भेद रूपाचा शिरा गिळूनी एका अर्थाचा उजिरा। इस प्रकार से जब हमारी दृष्टि में परमात्मा की मस्ती चढ़ जाती है तब ऐसे विरोधाभास युक्त वाक्य निकलते हैं कि जिसमें ऐसे लगता है कि पहला शब्द कुछ हमारे मन पर संस्कार छोड़ रहा है, अब समझ में आया, परमात्मा को पकड़ा पकड़ा पकड़ा, तुरंत दूसरा शब्द आ जाता है और जिसको पकड़ा था उसको छुड़वा दिया। रिमूवल ऑफ ऑल द इंप्रेशंस विदाउट अलाउइंग न्यू इंप्रेशंस टू बी फॉर्म्ड इज द यूनिक अप्रोच ऑफ संत ज्ञानेश्वर महाराज। असो नाम रूपाचा भेदशिरा गिळीत एकार्थाचा उजिरा नमो तया शिव वोहरा ज्ञान देवो म्हणे। इस प्रकार से इस संपूर्ण अभिव्यक्त नाम रूपात्मक जगत में नाम रूप का भेद जिस स्थान में जाकर के एक हो जाता है वो है शिव शक्ति का मिलन। और नमो तया शिव वोहरा, उस शिवजी को हमने नमस्कार किया है, या दूसरी दृष्टि से देखा जाए गिळीत एकार्थाचा उजिरा, तो जहां हम नाम रूप का चिंतन अनुसंधान करने लग गए वहां नाम रूप का भेद समाप्त हो गया, तो द्वैत में अद्वैत की सिद्धि हो गई। अच्छा महाराज चलो अद्वैत को पकड़ते हैं, तो जहां अद्वैत को पकड़ने को गए तो वहां द्वैत का सौंदर्य सामने आ गया। तो यदि हम कहेंगे कि परमात्मा अद्वैत है तो वो हमारे ज्ञानेश्वर महाराज को अलाउड नहीं। ठीक है, परमात्मा द्वैत है तो वो भी अलाउड नहीं है। फिर महात्मा जी है क्या असल में द्वैत में अद्वैत दृष्टि? आगे जाकर के संत ज्ञानेश्वर कहेंगे कि यदि हमको किसी चीज में इन्वेस्टमेंट करनी है, वो इन्वेस्टमेंट करने के बाद नुकसान बिल्कुल नहीं होगा गारंटी, लेकिन हो सकता है कि आपको कोई प्रॉफिट मिल जाए तो क्या खराब है? तो यदि इस द्वैत के व्यापार में रहते हुए अद्वैत की हानि नहीं होती तो द्वैत के मस्ती का प्रेम का लीला का नाटक क्यों न देखा जाए। नाम रूपाचा भेदशिरा गिळीत एकार्थाचा उजिरा नमो तया शिव वोहरा ज्ञान देवो म्हणे। इस प्रकार से जहां हम ये दोनों दृष्टियों का मिलन देख सकते हैं वही अमृतानुभव की अनुभूति एक क्षण में हो जाती है। ये दो प्रवाह है, परमात्मा के दृष्टि से जगत की क्या स्थिति है और साधु संतों के दृष्टि से परमात्मा क्या है, इन दोनों का मिलन जहां हो जाता है वहां विरोधाभास दिखते हुए भी विरोध का केवल आभास होता है, भाव नहीं होता। Which appears to be contradicting, but which never contradicts। इस प्रकार से नमो तया शिव वोहरा ज्ञान देवो मणे। आप देखो ये शिव शक्ति का प्रेम, जया दोघांचा आलिंगनी विरोनी गेली दोन्ही आवघियाची रजनी जिठीची जे। हमारी आंखें और उनका विषय रूप रंग, इनका व्यापार कब तक चलेगा? जब तक दिन है। जहां रजनी रात आ गई
तो आंखें कहां गई और रूप रंग कहां गया? क्या अंधेरे के कारण आंखें खत्म हो गई? क्या अंधेरे के कारण रूप रंग नष्ट हो गया? नहीं। तो जैसे घने अंधकार में यह दृष्टा और दृश्य रहते हुए भी अभिव्यक्त नहीं होते, उसी प्रकार से यह परमात्म तत्व जो शिव शक्ति के रूप में अभिव्यक्त हुआ है, जहां इन दोनों का मिलन हुआ, अभिव्यक्ति समाप्त। अभिव्यक्ति समाप्त माने अभाव नहीं, केवल अव्यक्त को प्राप्त हुआ है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत, अव्यक्त निधना नेव तत्र का परिदेवना। इस प्रकार से आज तक जितनी लहरें उगी समुन्दर के चेहरे पर, वो सभी के सभी पहले अव्यक्त थी, और अब इस समय वो समुन्दर के चेहरे पर नाच रही है। और उसके बाद वो जाएगी कहां? अव्यक्त निधनान्येव, उसी समुद्र में वो समा जाएगी। अब यदि ये कोई प्रश्न करे कि ये समुन्दर का लहरों में व्यक्त होना और लहरों का समुद्र में अव्यक्त के रूप में रहना, और फिर व्यक्त होने के बाद अव्यक्त को प्राप्त होना, ये कब से चल रहा है महाराज? है ना, यही यहां की रिडल है। तो जया दोघांचा आलिंगनी, जहां दृश्य और दृष्टा इनका आलिंगन हुआ। अभी देखो, ये अनुभव हम रोज करते हैं। संत ज्ञानेश्वर महाराज जो बात बता रहे, एक भी नई नहीं है, द सेम ओल्ड थिंग। अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो, करेंगे क्या विचारे? शाश्वत पुरातन या सनातन वस्तु की कोई बात कर रहा हो तो उसमें नई बात क्या बताएंगे? ये कोई सिनेमा हो तो नई बात हो सकती है। इसीलिए यहां जया दोघांचा आलिंगनी विरोनी गेली धोनी, इसका अनुभव देखो, हमने पिछले बार बताया था आपको, केलोपनिषद में इसका अर्थ मिलता है। वहां तत्व के उपलब्धि के द्वार के बारे में मंत्र आता है, प्रतिबोध विदितम मतम। प्रतिबोध, प्रत्येक अनुभूति में मतम विदितम, द सेल्फ इज रिवील्ड, प्रत्येक बोध में। अब जैसे कोई भी विषय और उस विषय का अपने इंद्रिय के साथ जहां स्पर्श हुआ, वहां विषय और विषय को ग्रहण करने वाला ज्ञान स्वरूप इंद्रिय, इनका भेद समाप्त हो गया। तो वहां क्या होता है? वहां अनुभव, लेकिन अनुभाव्य और अनुभावक यह भेद समाप्त हो गया। एक्सपीरियंस इज दैट वेयर द एक्सपीरियंसर, अपने स्वामी जी की भाषा, और एक्सपीरियंस ड, दिस डिवीजन इज मर्ज्ड। इसीलिए जया दोघांचा आलिंगनी, जहां यह अभिव्यक्त जगत विभूति और उसका अधिष्ठान शिव दोनों का आलिंगन हुआ, जया दोघांचा आलिंगनी विरोनी गेली दोनी। अब ना तो दृष्टा दृष्टा है, ना तो दृश्य दृश्य है। ये पंचदशी के प्रथम अध्याय में विषय आता है, इसी को दूसरे प्रकार से कहते हैं वहां, ध्यातृ ध्याने परित्यज्य देवमेवावशिष्यते। ध्यातृ ध्यान करने वाला
ध्यान, ध्यान की प्रक्रिया और ध्येय जिसका ध्यान हो रहा है, जहां ध्यान करने वाला ध्यान के लिए बैठा तो क्या होगा कि इस ध्यातृ ध्याता ने अपने स्वरूप का चिंतन शुरू किया। जरा ध्यान से सुनना, जहां अपने स्वरूप का चिंतन शुरू किया वहां ध्याता और जिसका ध्यान हो रहा है इसका भेद समाप्त तो हो गया। ये विषय फिर आगे जाकर के ज्ञानेश्वर महाराज कहेंगे। यदि हम अपने वाणी से वाणी की तारीफ कर रहे हो तो इसमें कौन विषय है और कौन विषयी है? बोलने वाली भी वाणी और बोलने का विषय भी वाणी हो, उसी प्रकार से जो इस जगत का भोग लेने वाला भोक्ता और जिसका भोग लिया जा रहा हो वह भोग्य, त्रिषु धामसु यद भोक्ता भोगम भोगश्च यद भवेत्। तो जो एक ही तत्व कभी कभी मस्ती में आया तो भोक्ता बना और कभी कभी उसी भोक्ता के लिए भोग बन गया। तो जहां इन भोक्ता भोग भोग्य इनका आलिंगन हो गया वहां भोग रहा, इसीलिए वह अनुभव जिसमें अनुभवकर्ता का अभाव होता है वही अनुभव अमृतानुभव, और वो कभी मरता नहीं। बाकी जितने अनुभव है वो मृतानुभव है। हमारी शादी हो गई, बड़ी खुशी हुई, फिर 15 मिनट के बाद, ज्यादा हो गया कि 15 मिनट, और फिर दुख हुआ, तो जो हमको शादी के बाद आनंद हुआ था वो हमेशा रहने वाला थोड़ी, वो मरने वाला है। लेकिन यह जो आनंद है नित्य उपलब्ध, तो वो आनंद कौन सा हो सकता है कि जिस अनुभूति में ना तो अनुभव करने वाला पैदा होता है और इसीलिए उसके मरने का डर नहीं है। न जायते म्रियते वा विपश्चित नायम भूत्वा न बभूव कश्चित अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। देखो तो जया दोघांच्या आलिंगनी विरोनी गेली दोनी, ये ऐसा है भैया। ये हमने पहले पहले आपको बताया विस्तार से। आदमी पैदा होकर के कभी दुखी नहीं होता, आदमी दुखी होने के लिए प्लानिंग करता है, है ना? हम लोग सभी नेचुरली ब्रह्मचारी होते हैं, बट वी डोंट लाइक नेचुरोपैथी, देन वी गो इन फॉर एलोपैथी, और फिर एबनॉर्मलिटी स्वीकार करते हैं। और कौन सी एबनॉर्मलिटी है? ब्रह्मचर्य का त्याग और गृहस्थ बनना। तो जहां हम गृहस्थी बनते तो क्या हुआ? क्या अच्छा खासा आदमी था, हस्बैंड बन गया, है ना? और दुखी कौन होता है? आदमी कभी दुखी नहीं होता, दुखी होता है हस्बैंड। स्त्री कभी भी दुखी नहीं होती, दुखी होती है पत्नी, दुखी होती है मां। तो जहां हमारी पत्नी मर गई भगवान की दया से, भगवान की जब कृपा होती है तो ऐसी होती है, जब हमारी पत्नी मर गई तो उसके साथ वो अपने पति को भी ले गई, और पीछे कौन बचा? सुखी, इज़न्ट इट? पूर्ण मेवा अवशिष्ट थे, अपूर्ण हैज गॉन। देखो संतो, यही है कि जया दोघांचा आलिंगनी विरोने गेली दोनी। मैं मनुष्य पुरुष वह हूं जिसी ने, जिसके ऊपर में ये द्वैत का संसार खड़ा हो गया है, और ये
जो परमात्मा की लीला चल रही है इसको जानने की एक बार मार्कंडेय ऋषि को इच्छा हो गई। ये भगवान, हमने सब कुछ तो जान लिया, आपको देख लिया, लेकिन आपकी माया लीला क्या है ये बताओ। तो भगवान ने कहा ठीक है, और फिर उनको चारों तरफ पानी पानी और ये खूब घूमते रहे पानी में, और उनको फिर एक वटपत्र पर कन्हैयालाल जी मिले, करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयंतम। तो उसका तात्पर्य क्या है कि भोक्ता मैं ही हूं, जिसका भोग हो रहा है पदारविंद वह मैं हूं, और भोग की क्रिया भी मुझ में ही चल रही है, और ये हम सब लोग 24 घंटे यही करते हैं। जहां गए किसी ने हमारी तारीफ करी तो वो बड़े अच्छे हैं जी, तो क्या कर रहे हैं हम अपने तारीफ का भोग ही तो कर रहे हैं। इस प्रकार से जया दोघांचा आलिंगनी विरोनी गेली धोनी, जहां भोक्ता और भोग्य इनका मिलन हुआ वहां भोग निर्माण हुआ। लेकिन वो भोग कैसा है, वो भोग ऐसा है कि जिसमें भोक्ता और भोग्य इसका भेद खत्म हो गया। आप इसी के साथ अपनी साधना बढ़ाओ, कर्ता कर्म और कर्मफल या करने की क्रिया, इसमें यदि कर्म हो रहा हो और उस कर्म के साथ कर्तृत्वाभिमान न हो तो किसको पाप लगेगा किसको पुण्य लगेगा। दूसरी बात, यदि भोग हो रहा हो लेकिन भोक्ता ना हो तो कौन एडिक्टेड होगा किस भोग को। लेकिन यदि हम ध्यान कर रहे हो और ध्यान करने के बाद यदि दिमाग में ये बात आई कल का ध्यान बड़ा अच्छा रहा जी, बड़ा मजा आया, तो हमने ध्यान योग थोड़ी किया है, ध्यान भोग किया है। और वो यदि ध्यान भोग करेंगे तो दूसरे बार जब ध्यान के अभ्यास के लिए बैठेंगे तो दिमाग में वही बात आएगी, कल के जैसा यदि ध्यान आज भी लग जाए तो मजा आएगा। और जैसे ये बात आई भगवान ने समझ लिया अब बेवकूफ को लेसन सिखाना चाहिए, और फिर ढूंढते रहो कल के जैसा ध्यान, कल क्या किया था, हम यहां से वहां गए थे, उठ के चले जाओ वहां, अच्छा वहां से आके बैठे, फिर अगरबत्ती जलाई थी, लेकिन कल का कौन सा ब्रांड था, कल्पना ही करते रहे। इस प्रकार से ध्यान को जब हम ध्यान छोड़ करके भोग के कक्षा में ले आते तब जाकर के आध्यात्मिक क्षेत्र में बंधन निर्माण होना शुरू हो गया। और यही बात सभी साधु संत सरल सरल शब्दों में कहते हैं, थे विले अनंते तैसे चीरा, अपने आप होने दो ना, काहे को जल्दी है। समझो ध्यान लग भी गया तो व्हाट, व्हाट नेक्स्ट, कितने घंटे बैठोगे, 5 मिनट तो बैठ नहीं सकते, घंटे की बात हो रही। और इसीलिए यह समझ में एक बार आ जाए, ऐसी क्लिक हो जाती है बात कि जहां, जैसे अभी ध्यान से सुनो, अब आपके कान हमारे आवाज की तरफ है, अब जहां हम चुटकी बजाएंगे जो आवाज आएगी उस आवाज की अनुभूति जहां होती है वहां मैं सुनने वाला, इसका निर्माण यदि नहीं हुआ तो परमात्मा की अनुभूति हो गई। और यदि इसको सुनने के बाद यह अनुभव हुआ कि हां जी हमने सुना था, बड़ा अच्छा चुटकी बजाई थी, तो सब कबाड़ा सत्यानाश हो गया। ध्यान से सुनना, अमृतानुभव चुटकी के साथ, देखो इसमें दो बातें हो रही है, एक हमारे मन ने
ग्रहण किया ज्ञान को और वहां सब सिनेमा खत्म। लेकिन उसके बाद हम दूसरी चीज निर्माण करते हैं कि हां जी हमने सुना। ये ऐसे ही हमको याद है, एक बार हम छठवां अध्याय ले रहे थे और उसके बाद कभी कभी प्रभु की इच्छा से ध्यान का भी अभ्यास हो जाता है। तो जब बैठे सभी लोग बैठे और हम कुछ बोल रहे थे इंस्ट्रक्शंस गाइडेड मेडिटेशन की तरह से, और एक संत महात्मा सामने बैठे हुए थे और जब हम कुछ बोलते सिट क्वाइट तो वो कहते नाउ डोंट मूव योर बॉडी, अच्छा डोंट लुक हियर एंड देयर, नो इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर मी टू टॉक ए वर्ड क्योंकि दाद आ रही थी। अरे भैया ये दाद खुजली थोड़ी है। इसीलिए यहां दोन्ही गेली विरोनी, वह अनुभूति जिसमें अनुभवकर्ता का अभाव होता है, शास्त्र की भाषा में बताएंगे तो जहां केवल वृत्ति व्याप्ति रहती है लेकिन फल व्याप्ति नहीं होती वह अमृतानुभूति होती है। वृत्ति व्याप्ति माने यह वस्तु है, फल व्याप्ति माने यह वस्तु है ये मैंने जाना। तो ये मैंने जाना ये सेकंड एस्पेक्ट ऑफ द नॉलेज, व्हेन इट इज नॉट पोल्यूटिंग अवर नॉलेज देन अलोन वी आर विद एब्सोल्यूट। द नॉलेज विदाउट द नोअर इज द ट्रूथ, द एंजॉयमेंट विदाउट द एंजॉयर इज द ब्लिस, द एग्जिस्टेंस विदाउट बिकमिंग इज बीइंग। द मोर वी आर एबल टू कॉम्प्रिहेंड दिस ऑल द लिमिटेशंस डिसअपियर। और यही यहां कहते हैं जया दोघांचा आलिंगनी विरोनी गेली दोनी आवगरियाची रजनी दिठी चीजे। जिस प्रकार से अंधकार में देखने वाला और देखा गया यह भेद अव्यक्त को प्राप्त होता है, और जहां बिजली ऑन कर दी फिर वही देखने वाला और वही देखा गया, उसी प्रकार से जहां पहले भी विचार आ चुके हैं, जहां पुरुष का प्राधान्य हुआ वहां प्रकृति का अभाव, जहां प्रकृति का प्रादुर्भाव हुआ वहां पुरुष ने जीवत्व स्वीकार किया और वह दुखी बना। इस प्रकार से यह स्त्री पुरुष का शिव शक्ति का नाटक अखंड रूप से चल रहा है। अब यह जो परमात्मा का नाटक इस जगत में चल रहा है, ये समुद्र पर जो लहरें अनंत काल से आ रही है और जा रही है, इसके बारे में यदि किसी ने प्रयत्न किया कि जरा देखे तो सही क्या है, जरा इसके बारे में कुछ इंक्वायरी तो करें, तो भगवान ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं जयांचा स्वरूप निर्धारी गेली परेसी वैखरी सिंधुसी प्रलय नीरी गंगा जैसी। जिसके स्वरूप के निर्धारण के लिए वैखरी निकली मटकते मटकते, देखो वैखरी शब्द का हम आपको व्युत्पत्ति बताएंगे तो मजा आएगा। खर माने संस्कृत शब्द है, खर माने गधा, डोंकी इज कॉल्ड इन संस्कृत खर। वैखरी विशेषेण खर, जो जो बातें वैखरी के द्वारा बोली जाती है दैट इज ब्रेइंग ऑफ द डोंकी। इसीलिए केनोपनिषद की श्रुति कहती है कि न तत्र चक्षुर गच्छति न वाग गच्छति नो मनहा न विद्महा न विजानीमहा यथा एतत् अनुशिष्यात्। जो वाणी का विषय नहीं हो सकता ऐसे परमात्मा के बारे में बोलने का कितना भी प्रयत्न करो वो सभी जैसे गर्दभ ध्वनि का कोई मतलब नहीं निकलता।
उसी प्रकार से यह वैखरी चली, चलो हम जरा भगवान का वर्णन तो करें। तो जयाचा स्वरूप निर्धारी गेली परेसी वैखरी, अपने आप तो वो हार गई। फिर उसने सोचा चलो एक और किसी का साथ ले लेवे, तो वैखरी ने पकड़ा मध्यमा को और दोनों मिलकर के चली। अब वैखरी और मध्यमा दोनों ने सोच लिया, अब जाकर के इस शिव शक्ति के रहस्य को हम जान ही लेंगे। लेकिन पहले एक फेल्योर थी, अब दोनों मिलकर के फेल हुए। और उसके बाद उन्होंने सोचा चलो और तीसरे का सहारा लेते हैं, तो पश्यंती को पकड़ा। तो वैखरी, मध्यमा और पश्यंती, और वैखरी मध्यमा पश्यंती को लेकर के पश्चन करने के लिए निकले और तीनों फिर फेल हो गई। और इस प्रकार से जाके पहुंचे परावाणी के पास। जयाचा स्वरूप निर्धारी गेली परेसी वैखरी, और फिर इस वैखरी मध्यमा और पश्यंती, इसकी क्या स्थिति हुई? वही स्थिति हुई जो स्थिति गंगा जी की होती है समुन्दर के पास, और समुन्दर की होती है प्रलय जल के पास। तीन स्टेजेस है ये। वैखरी का मध्यमा के पास जाना एक, वैखरी मध्यमा का दोनों मिलकर के पश्यंती के पास जाना दो, और वैखरी मध्यमा और पश्यंती इन तीनों का परा के पास जाना तीन। तो गंगा जी निकली और पहुंची बंगाल के उपसागर में, तो वहां गंगा जी बन गई सागर, और इसीलिए उसका नाम है गंगा सागर। और उसके बाद प्रलय आया, तो प्रलय में काहे की गंगा, काहे का सागर, काहे का गंगा सागर, काहे का बे ऑफ बंगाल, सब का सब पानी में एक हो गया। सभी भेद नाम रूप के उस जल तत्व में समाप्त हो गए। उसी प्रकार से जरा ध्यान से सुनना, जहां हमने अपने वैखरी वाणी का आधार लेकर के उसका अनुसंधान किया, अब वाणी का आधार लेकर के अनुसंधान दो प्रकार से होता है। एक, जब हम बाह्य जगत के विषयों का आलंबन लेते हैं तब उसका वर्णन करने लग जाते हैं, परांजी खाने व्यतृण स्वयंभू तस्मात परान पश्यति नांतरात्मन कश्चित धीरहा प्रत्यगात्मा नमैक्षत आवृत्त चक्षुः अमृतत्वमिच्छन्। हम अपने वाणी को बाहर के जगत का विषय दे करके बाहर के जगत में लगा सकते हैं अनंत काल तक, और व्यतृणत फिर हमारी वाणी हिंसित होगी, उसमें एकत्व का प्रतिपादन कभी नहीं होगा, वो हमेशा द्वैत का ही प्रतिपादन करेगा। मैं तू तू की भाषा शुरू हो जाएगी, जहां हमारी वाणी बाहर के जगत को विषय बनाती है। और दूसरा इस वाणी का प्रयोग है कि परमात्मा का नाम ले, श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। तो जितना ये वैखरी वाणी परमात्मा के नाम से शुद्ध होगी, उतनी धीरे 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 यह वैखरी वाणी मध्यमा में एब्सॉर्ब होने लग जाती है। और जहां ये वैखरी वाणी मध्यमा में एब्सॉर्ब होने लग गई, तो जगत के विषय और उनके प्रति जो आकर्षण है हमारे अंतकरण में, ये अपने आप खत्म होने लग जाता है। जगत के विषय का आकर्षण तब तक है जब तक के वैखरी वाणी में अपवित्रता है, और वैखरी वाणी की अपवित्रता होती है जो द्वैत का प्रतिपादन करती है, जो द्वैत का समर्थन करती है, और जो द्वैत का अवलोकन करती है। इसीलिए इस वैखरी वाणी को अपने स्वरूप में
विलय करने के लिए पहली जो साधना संत लोग बताते हैं कि इस वैखरी वाणी को परमात्मा के नाम में अखंड लगावे। धीरे 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 यह वैखरी वाणी शुद्ध होकर के हमारे मध्यमा वाणी में आ जाती है। मध्यमा वाणी का स्थान होता है कंठ, और उसके बाद व्यक्ति सहजता से परमात्मा का नाम स्मरण करते करते उसी में एकदम आनंद की अनुभूति करने लग जाता है। बाहर की जगत की कोई भी चीज उसके मन को विचलित नहीं कर सकती। और जितनी ये मध्यमा वाणी में परमात्मा के नाम का जप होता रहेगा उतना धीरे धीरे मध्यमा वाणी भी अपने मूल में पश्चंती वाणी, जिसका नाभि स्थान है, वहां यह वाणी फिर माइग्रेट हो जाती है। तो पहले थे हम होठों पे, फिर आए कंठ में, और कंठ से आए नाभि में। नाभि माने नभ, नभ माने आकाश। यदि हम पश्यंती वाणी में आ जावे तो असंगता, स्पर्श योग की अनुभूति होने लग जाती है। और जहां हम ये पश्यंती वाणी में निरंतर रह करके अपने आप को परमात्मा के प्रति संपूर्ण समर्पित कर दिया, उसके बाद वहां से भगवान देख रहा है परावाणी के गैलरी से, आज कौन आया है, चलो बुलाओ उसको। लेकिन पश्यंती वाणी तक जाने का जो साधना क्रम है वह साधक को स्वयं करना पड़ता है। तो इसी प्रकार से गेली परेसी वैखरी, यह जो वैखरी वाणी है, जहां ये परावाणी के पास पहुंचेगी तो वही स्थिति है जैसे गंगा जी तो है पानी ही लेकिन कहते हैं गंगा जी, फिर वो आती है सागर के पास, है तो वो भी पानी ही लेकिन कहते हैं गंगा सागर, फिर और अंदर चले जावे तो वो भी है पानी ही लेकिन कहते हैं बंगाल का उपसागर, और जब प्रलय हो जाता है तब भी वो पानी ही रहता है लेकिन कहते हैं प्रलय जल। जिसकी दृष्टि जल तत्व पर गई है उसके लिए गंगा जी का पावित्र महत्व नहीं रखता, और सागर का खारापन इसका कोई दोष उसके दृष्टि में नहीं है। क्यों? कि उसने तत्व का दर्शन कर लिया है। उसी प्रकार से विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनिचैवश्व पाकेच पंडिताः समदर्शिनः इहैव तैर्जितः सर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणिते स्थितः। जिन्होंने इस निर्दोष दृष्टि को प्राप्त किया है, निर्दोष दृष्टि क्या है, समत्वम योग उच्यते, जो सब में एक ही परमात्मा तत्व को देखता है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत, यही दृष्टि है। परमात्मा जगत की तरफ कैसा देखता है ये वो दृष्टि है। दयाचा स्वरूप निर्धारी गेली परेसी वैखरी सिंधु सी प्रलय नीरी गंगा जैसी। और अनेक उदाहरण देते हैं, वायु चळवळेसी जिराला व्योमाचिये कुशी आटला प्रलय प्रकाशी सप्रभ भानु। वायु चळवळेसी, वायु अपने हलचल के साथ, चलन वलन के साथ कहां गया, व्योमाचिये कुशी जिराला, गॉड एब्सॉर्ब्ड इन द वैक्यूम ऑफ द स्पेस। सी व्हेन वी आर टू मच आइडेंटिफाइड विथ अवर ग्रॉस बॉडी वी कंसिडर दैट वी आर द कंटेंट ऑफ दिस होल वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड इज कॉम्पिटिंग विथ अस। अब ज्ञानेश्वर महाराज की दृष्टि ले लो, द अर्थ इज द कंटेंट्स एंड द वॉटर्स इज द कंटेनर, द वॉटर इज द कंटेंट्स, द फायर इज द कंटेनर, द फायर इज द कंटेंट्स, द एयर इज द कंटेनर,
The air is the contents. The space is the container. The space is the contents. The idam vritti is the container. The idam vritti is the container. The aham vritti is the idam vritti is the contents. The aham vritti is the container. And when you inquire the essential nature of this container, which contains everything, from that vision, then what will happen to the wave? It will go back to its own source, the water. What will happen to the air? It will go back to its own source, the space. Tasmat atmanaha akasha sambhutaha akashad vayuhu vayor agnihi. See? जिस प्रकार से वायु चवेशी जिराला व्योमाचिये कुशी, जहां व्यक्ति के सविकल्प समाधि के अभ्यास के द्वारा दृश्यानुविद्ध और शब्दानुविद्ध सविकल्प समाधि का अभ्यास जब अनेक समय तक चलते रहता है, तो धीरे 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 निर्विकल्प समाधि की सिद्धि होने लग जाती है। जहां निर्विकल्प समाधि की सिद्धि होने लग जाएगी, वहां हमारे जो व्यष्टि प्राण होते हैं वह समष्टि प्राण के साथ एक हो जाते हैं, और जहां यह जो वैयक्तिक व्यष्टि वायु है वह समष्टि के साथ एक हो गया। यही बात यहां कहते हैं, वायु चरवड़ेशी जिराला व्योमाचे कुशी, और फिर आटला प्रलय प्रकाशी सब प्रभानु, भानु सूर्य सप्रभ अपने प्रभा के साथ, अपने प्रकाश के साथ जब प्रलय प्रकाश होगा, तो उस प्रलय प्रकाश में यह अभी जो बड़ा ग्रेट लगता है सूरज, वो उस प्रलय प्रकाश के सामने कुछ भी नहीं रहेगा। अभी जो हमारा व्यक्तित्व है, मैं साधना करने वाला हूं, मैंने ये तीर मारे हैं, मैंने इतना जप किया है, यह जो मैं जहां प्रभु की कृपा से यह अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा अपने आप को अभिव्यक्त करेगा अपने स्वरूप में, यमय वेश वृणुते तेन लभ्या, जहां परमात्मा अपने संपूर्ण ऐश्वर्य के साथ हमारे सामने खड़ा होगा, जैसे 11वें अध्याय में, तब अर्जुन के जैसी हमारी स्थिति होगी कि हम किस झाड़ की पत्ती है। वहां अपना व्यक्तित्व परमात्मा के सामने संपूर्ण समाप्त। ये जितनी प्रक्रियाएं ज्ञानेश्वर महाराज बता रहे हैं वो योग मार्ग के थे, और ये सभी की सभी प्रक्रियाएं योग मार्ग में आती है। आटला प्रय प्रकाशी सब प्रभ भानु, तो हमारे इस व्यष्टि जगत में कौन सा भानु है? पुरुष। देखो, पुरुष शब्द की परिभाषा शास्त्रों के अनुसार ऐसी है, परमात्मा ने जगत निर्माण किया, निर्माण करने के बाद उस जगत के साथ परमात्मा को प्रेम हो गया, और इतना प्रेम हो गया कि वो नजदीक गया, और इतना नजदीक गया कि इस जगत में घुस गया। वही परमात्मा अपने ही क्रिया में जब आसक्त हो करके उसके साथ तादात्म्य प्राप्त करता है, तब उसको पुरुष कहते हैं। तो जहां इस पुरुष ने ये जान लिया कि मेरा असली स्वरूप ये है, आत्मानं चेद विजानीयात अयम अस्मीति पुरुषः किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरम अनुसज्वरे। बृहदारण्यक उपनिषद की श्रुति कहती है, जहां इस पुरुष ने अपने आप को परमात्मा के सामने खड़ा कर दिया, तो यह पुरुष अपने व्यक्तित्व को संपूर्ण समाप्त कर देता है। हमारे गुरुदेव ने इसके बारे में एक बहुत सुंदर दृष्टांत दिया था। एक बार की बात है, एक व्यक्ति ने एक मोमबत्ती जलाई, रात का समय था, और ज्यादा प्रकाश मिले इसलिए उस मोमबत्ती को एक दर्पण के सामने नजदीक खड़ा कर दिया, ताकि मोमबत्ती का प्रकाश और दर्पण के द्वारा परावर्तित प्रकाश
माने ये 100 वैट की मोमबत्ती का प्रकाश होगा तो रिफ्लेक्टेड अनदर 100, सो यू गेट 200। और उसने सोचा कि मैं बड़ा इंटेलिजेंट हूं, तो उस प्रकार से उसने रख दिया। अब उस गर्मी के कारण वो आईने के पीछे का जो मर्क्यूरी पारा रहता है वो पिघलने लग गया। पहले तो दो ज्योतियां थी, एक तो बिंब और दूसरा प्रतिबिंब, और धीरे 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 जैसे इसके पीछे का पारा खत्म होने लग गया तो उसके बाद यहां का प्रतिबिंब गायब है ना। उसी प्रकार से जहां साधक अपने आप को गुरु के चरणों पर समर्पित करके ईश्वर की गोद में निर्विकल्प समाधि में अपने आप को झोंक देता है, उस समय उस प्रतिबिंब की दर्पण में पड़े हुए जो स्थिति होती है वही स्थिति साधक की होती है। धीरे धीरे प्रतिबिंब समाप्त हो जाता है। क्यों? कि इस बिंब की गर्मी, इस बिंब का प्रकाश इतना प्रचंड है कि उसके सामने व्यक्तित्व कभी रह ही नहीं सकता। इसीलिए अनेक जो साधना करने की प्रक्रिया है उसमें ये प्रक्रिया को बहुत महत्व दिया है। व्यक्ति अपने आप को शांति में एक्सपोज करे, एक्सपोज योर सेल्फ टू साइलेंस, नॉट दैट साइलेंस विच इज अपोनेंट ऑफ द नॉइस, दैट विल बी कॉल्ड एज अ डिस्टर्बेंस, दैट साइलेंस विच इज इम्यून टू द साउंड और द एब्सेंस ऑफ साउंड, दैट साइलेंस विच डजंट गेट डिस्टर्ब्ड बिकॉज ऑफ द साउंड्स, दैट साइलेंस वेयर इन देर इज नो सेंस ऑफ लोनलीनेस व्हेन देर इज एब्सेंस ऑफ साउंड, दैट साइलेंस। द मोर वी एक्सपोज देन वी अंडरस्टैंड दिस। आटला प्रकाशी सप्रभ भानु, अपना व्यक्तित्व, अपने जीवन के पाप पुण्य कर्तृत्वाभिमान, ये करना चाहिए था वो करना चाहिए था, ये सब वहां के वहां हो गया। तेवी निहाड़ीता ययाते गेले पहाड़े नसी पाहाते उड़ती घर वरवते वंदिली दिए। इस प्रकार से मैंने शिव शक्ति को नमस्कार किया। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं जैसे इस मोमबत्ती के प्रतिबिंब ने मोमबत्ती के बिंब को नमस्कार किया, कैसे किया उसी प्रकार से तेवी निहाड़िता ययाते, निहाड़िता माने व्हेन यू ऑब्जर्व विथ क्लोज प्रॉक्सिमिटी विथ द आई ऑफ विजडम। जब हम इस शिव शक्ति के द्वैत में उपलब्ध अद्वैत का सूक्ष्म दृष्टि से अवलोकन करते हैं उसको कहते निहाड़िता, तेवी निहाड़िता ययाते। जहां हमने इस अव्यक्त, अभिव्यक्त और व्यक्त, इन तीनों में जो एकमेव तत्व है इसको जहां हमने नजदीक से देखा, अपने दृश्यते तु सूक्ष्मया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी ही, जिन्होंने इस सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा इसका दर्शन किया तो क्या हुआ, गेले पहाड़े ने सी पहाते, पहाते द सीन, पहाड़े द सीइंग, द सीइंग एंड द सीन गॉट मर्ज्ड इन द सीयर। अर्लियर व्हाट वाज सेड, द सीयर एंड द सीन गॉट मर्ज्ड इन द सीइंग। तीन दृष्टियां हैं ये महाराज, एक वो दृष्टि है जिसमें अनुभव की प्रधानता से तत्व का प्रतिपादन, दूसरी वो दृष्टि है कि जिसमें अनुभवकर्ता की दृष्टि से तत्व का प्रतिपादन, और तीसरी वो दृष्टि है कि जिसका अनुभव हो रहा है उसके दृष्टि से तत्व का प्रतिपादन।
और ये तीनों दृष्टियां एक ही है, तो यहां ये दूसरी दृष्टि दे रहे हैं। तेवी निहारिता ययाते गेले पहाने ने सी पहाते पुड़ोती घर वरवते वंदिली तिये। तो जहां पहाने सीइंग देखना, पहाते जो देखा गया, तो जो देखा गया और उसको जो देखने की प्रक्रिया है, ये दोनों कौन कर रहा है? देखने वाला। तो जहां हमारी दृष्टि देखने वाले के पास गई, उसी क्षण देखना और देखा गया समाप्त हो गया। जैसे यदि हमारी दृष्टि रूप रंग पर है, तो रूप रंग है देखा गया, और रूप रंग को देखने की प्रक्रिया कहां से हो रही है? आंखों से, मन से, और देखने वाला मैं। अब यदि हम अपने आंखों से अपनी ही आंखों को देखना प्रारंभ करें, तो क्या होगा? जहां हमने अपने ही आंखों से अपनी ही आंखों को देखना प्रारंभ किया, तो अपने आप जो रूप रंग है, दृश्य पदार्थ है, उसका त्याग हो गया है, और अपनी ही आंखें अपने आंखों के द्वारा नहीं देखी जा सकती। यही सिद्धांत मन के बारे में है। जहां हम अपने मन को देखते हैं और ये कहते हैं कि हमारे मन में बड़े विक्षेप हैं जी, तो हमने मन को देखा ही नहीं जी। फिर हमने किसको देखा जी? हमने उस मन के अंदर जो विषय है उसी का चिंतन चल रहा है। अरे भैया, मन को देखो, मन के विचारों को मत देखो। जब बताते हैं कि सुवर्ण को देखो, उसके गहनों के नाम क्या है और उसकी चमक कैसी है, उसका उपयोग क्या होगा, इसको मत देखो। उसी प्रकार से जहां हमको बताया जाता है साधु संतों के द्वारा, अपने मन को देखो, माने हमारे मन के वृत्तियों में जो जो विषय है, उस विषयों का अवर्जन कर दो। डू नॉट गिव एनी वैल्यू टू एनी कंटेंट ऑफ द थॉट। अपने आप मन का दर्शन होना शुरू हो जाएगा, और इस मन का दर्शन जहां शुरू होना शुरू हो गया, तो समझ में आएगा कि हम तो अहम वृत्ति पर जाके पहुंचे, क्योंकि इदम वृत्ति का अस्तित्व अहम वृत्ति के सापेक्षता में ही होता है। तो जहां हमने पति को पकड़ा, और पति को पकड़ने के बाद फिर ये समझा कि ये टेम्पररी है, भगवान की कृपा होगी तो ये पतित्व खत्म हो जाएगा, फिर तो मस्ती ही है, फिर वेट इज निर्विकल्प समाधि। धीरे 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 जितने भी कंटेंट्स है मन के, राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह मद माचर्य ग्रीड पैशन लस्ट एंगर, एवरीथिंग विल गेट इरेज्ड। फिर हम पहुंचते अहम वृत्ति के पास। अब इस अहम वृत्ति को अहम वृत्ति के द्वारा देखो, तो अहम वृत्ति हो गई देखने वाली, और अहम वृत्ति हो गया पहाते, सो पहाने नसी पहाते, तो दोनों खत्म। और वो मैं रहेगा जो ना तो देखता है, ना तो जिसको देखने की आवश्यकता है। देवी निहारिता ययाते गेले पहाने नसी पहाते पुढ़ौती घर वरौते वंदिली ती। इस प्रकार से मैंने सामने आगे ऊपर पीछे चारों तरफ उन्हीं का ही दर्शन किया है। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं पुढ़ती घर वरौते, चारों तरफ ऊपर नीचे वंदिली ती। ये जो शिव शक्ति जिनकी वंदना करने के लिए मैंने यह प्रथम अध्याय शुरू किया है, शिव शक्ति समावेशन, यह शिव शक्ति का अनुसंधान, इनके तत्व का चिंतन करते करते यदि हम उनके साथ एक हो गए, तब तो हमारा वंदन हुआ, अन्यथा
वी आर एट द पेरिफेरी ऑफ आवर पर्सनैलिटी। देखो आप सभी लोगों ने श्रवण साधना इत्यादि सुनी है और आप सभी लोग वेदांत के दिग्गज हो मुझे मालूम है, इसलिए मुझे बड़ा डर लगता है आप लोगों के सामने बोलते समय। देखो यदि कठोपनिषद का अध्ययन किया हो और मन में ये प्रश्न का उत्तर नहीं मिला हो तो हमने कठोपनिषद का अध्ययन किया, इससे बढ़िया भ्रांति और कुछ नहीं हो सकता। कौन सा प्रश्न उसका समाधान? नचिकेत यमराज के पास कैसा गया? विथ टिकट और विदाउट टिकट? इस प्रश्न का उत्तर जिसको मिलेगा उसी ने कठोपनिषद का अध्ययन किया है। और जिसके दिमाग में यही बैठा रहता है कि व्हेन हिज फादर टोल्ड मृत्युवे त्वाम ददामि इति, और फिर वो चला गया वहां, तो सवाल यह है वो कैसा गया, कौन सी एयरलाइन से गया? एयर फ्रांस, एयर लंका, एयर पाकिस्तान, लेकिन वहां एयर भी नहीं है। न तत्र त्वम न जरया विभेदी, तो कैसा गया? ये प्रश्न का उत्तर जिसको मिल गया है उसने कठोपनिषद का अध्ययन किया है। और इस प्रश्न का उत्तर किसी दूसरे ने देने के बाद कभी भी नहीं समझ में आएगा, इसका समाधान हमको स्वयं को ढूंढ के निकालना है और उस समाधान को यहां मिलते हैं। देखो यदि हमने शिव शक्ति का तात्विक अनुसंधान प्रारंभ किया, क्या प्रारंभ किया? कि परमात्मा अपने आप में अनंत, किसी भी प्रकार की परिच्छिन्नता नहीं, और किसी भी प्रकार की परिच्छिन्नता न होने के कारण संपूर्ण स्वतंत्र। पारतंत्र तब होता है कि जब मेरे सिवा दूसरा कोई होगा तब। यदि मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं है तो कैसे पारतंत्र होगा? तो एकमेवा द्वितीयम नेह नानास्ति किंचन, इस स्थिति में जब मैं हूं तब मेरा अपना असली स्वरूप। अब यह जो मैं इंडिपेंडेंट स्वातंत्र युक्त स्वच्छंद और गणपति अथर्व शीर्ष की भाषा में वात्रट व्रात्यपतये नमः, व्रात्यपति माने वात्रट, अनकल्चर्ड। वाय अनकल्चर्ड? बिकॉज देर इज नो नीड फॉर एनी संस्कार। वाय देर इज नो नीड फॉर संस्कार? बिकॉज देर इज नो विकार। संस्कार तो तब करने पड़ते हैं ना कि जब विकार होने की संभावना हो। जब बच्चा पैदा होता है और जिंदा हो तब उसको वैक्सीन देते हैं ना, क्योंकि बड़ा होगा तो रोग होने की संभावना है। और कोई स्टिल बर्थ हो, बच्चा मरा पैदा हो गया हो, नहीं नहीं फिर भी क्या है, वैक्सीन दे ही दो। अरे उसी प्रकार से यदि हम तत्व को इस दृष्टि से देखें कि तत्व अपने आप में संपूर्ण, किसी भी प्रकार की परिच्छिन्नता नहीं और इसीलिए स्वतंत्र, और इस स्वतंत्र परमात्मा तत्व में अपने मस्ती की अभिव्यक्ति की गर्मी चढ़ गई, उसको कहते हैं प्रथम स्फुरणा। सच्चिदानंद कंदाय जगदंकुर हेतवे सदोदिताय पूर्णाय नमो पूर्णाय शंभवे। वहां भी यही विचार आता है भगवान शंकराचार्य के प्रथम उस श्लोक में जहां वो वंदना करते हैं, और ये उन्होंने लिया है किसी दूसरे ग्रंथ से। वहां भी यही विषय आता है कि जो सच्चिदानंद घन है, सच्चिद आनंद कंद, कंद माने जहां सच्चिद आनंद ये तीन नहीं रहते बल्कि तीनों एक रूप है। जैसे कंद होता है तो दैट इज अ सीड एंड अ प्लांट साइमल्टेनियसली, कंद का कोई बीज अलग नहीं होता। जैसे मैंगो का सीड अलग होता है और उसका रस निकालकर सीड फेंक दो, उसी प्रकार से जो कंद होता है पोटैटो ट्यूबर, उसमें सीड एंड द कंटेंट्स ऑफ द सीड आर साइमल्टेनियसली टूगेदर,
उसी प्रकार से यह परमात्मा तत्व इसमें बीज इत्यादि भेद नहीं है। तो यह संपूर्ण परमात्मा तत्व इसकी अभिव्यक्ति होने लगी और इस अभिव्यक्ति की प्रक्रिया में यह पहली अभिव्यक्ति हो गई द्वैत की प्रतीति। इस द्वैत की प्रतीति को हमने कहा है शिव और शक्ति, और फिर इस शक्ति के साथ व्यवहार करके इस शिव जी ने इस संपूर्ण सृष्टि का निर्माण किया। और क्या व्यवहार किया, जब शक्ति ने देखा कि हमारे पति महाराज बड़े अरूप है, ये देखने में अच्छे नहीं है, कपड़े ठीक से नहीं पहनते, लोग क्या कहेंगे, और इसीलिए जगा ये वड़े लेने, यह सुंदर अलंकार इस शक्ति ने अपने पति के लिए निर्माण किया और यह संपूर्ण सृष्टि निर्माण हुई। अब यदि इस प्रकार से है तो द्वंद्व का त्याग करके द्वैत के पास आवे, द्वैत का त्याग करके अहम वृत्ति में आवे, अहम वृत्ति का अनुसंधान करके अहम वृत्ति गायब हो गई, जहां अहम वृत्ति गायब हो गई वहां यहां हम पहुंचे तेवी निहारिता ययाते गेले पहाणे नसी पहाते पुड़ती घर वरवते वंदिली तिये। इस प्रकार से वंदन करने वाला और जिसको वंदन किया जा रहा है वह और वंदन करने की प्रक्रिया, ये तीनों समाप्त हो गई है। इस प्रकार से मैंने शिव शक्ति का वंदन उनके समावेशन में किया है। जयाचिया वाहणी वेदक वेद्याचे पाणी न पिए परी सांडणी आंगाची ही करी। और यह जो चल रहा है अनंत काल से सृष्टि प्रवाह, और इस अनंत काल से सृष्टि प्रवाह में दो बातें हैं, वेदक जानने वाला और वेद्य जाना गया। तो जाना गया द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये मानो पानी है, और वेदक जो जानने वाला है वो ये ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड का रसपान कर रहा है। तो वेद्याचे पानी, गंगा जी जो बहती है, भगवान रामचंद्र जी के समय में जो बह रही थी वो भी आज बह रही है, कोई फर्क नहीं, गंगा जी वही है, भले उसका कोर्स बदल गया हो, भले उसमें से पानी बदल गया हो, भले उसके अगल बगल में जो शहर थे या जो कस्बे थे वो बदल गए हो, भले गंगा जी के प्यूरिफिकेशन के प्रयत्न हो रहे हो, कुछ भी हो रहा, गंगा जी वही है। तो कब से गंगा जी बह रही है, अनंत काल से। उसी प्रकार से यह सृष्टि का प्रवाह अनंत काल से चल रहा है, और इस सृष्टि के प्रवाह में दो बातें निरंतर है, एक भोक्ता और दूसरा भोग्य। भोक्ता भोग्य का व्यवहार भोग के रूप में अनंत काल से चल रहा है, इसको आज तक ना तो कोई रोक सका है ना तो कोई रोक सकेगा, ये बात यहां कहते हैं। जयाचिया वाहाणी, वाहाणी मीन्स प्रवाह, द फ्लो, दिस फ्लो ऑफ द कॉन्टैक्ट बिटवीन द एक्सपीरियंसर एंड द एक्सपीरियंस्ड इज इटर्नली गोइंग ऑन। जयाचिया वाहाणी वेदक वेद्याचे पानी न पिए। और यदि हम इस शिव शक्ति को नमस्कार करने के लिए जाएंगे तो कैसे होगा, तो वेदक जानने वाला, वेद्य जाना गया, ये दूर से ऐसे अंगुली से पानी नहीं पिएंगे, फिर क्या होगा, परी सांडणी आंगाची ही करी, गंगा जी के किनारे जावे और पानी पीने के लिए चुल्लू भर ऐसा लेकर के पानी पिए, उससे तो मस्ती आती है, कपड़े खोलो और गंगा जी में डुबकी लगाओ, पानी भी पियो और मस्ती करो। उसी प्रकार से यह अमृत अनुभव की जो गंगा जी बह रही है वह ऐसे नहीं, जब तक हम सुनते हैं ना तब तक तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन बाद में पता नहीं,
बाद में ऐसा क्यों होता है? बिकॉज वी पुट ऑन द सेम शूज, इज इट? इसीलिए यदि किसी के जूते चोरी हो जाते तो अच्छी बात है, डोंट पुट ऑन द सेम मिजरेबल शूज अगेन. एक बार ये समझ में आ जाए साधु संतो, वी आर नॉट बॉर्न इन दिस वर्ल्ड टू बी मिजरेबल. मिजरी इज एन एबनॉर्मलिटी, देयर फॉर वी वॉन्ट टू गिव अप. हैड इट बीन अवर रियल नेचर, वी वुड हैव एंजॉयड बीइंग मिजरेबल, इज इट नॉट? बट वी आर नॉट एंजॉइंग दैट. तो यह जयाची आवाहनी, वेदक वेद्याचे पानी न पिए, इस अनुभूति में भोक्ता और भोग्य इनका पारस्परिक संबंध इस प्रकार से नहीं है जिस प्रकार से हम लोगों का है. जगत की छोटी छोटी भोग वस्तु में इतने लिप्त हो गए हैं कि ऐसे लगता है सब कुछ इसी में है. खाना खाते समय अचार पपड़ नहीं मिला तो मुश्किल. बस भगवान यहां बताते हैं, परी सांडनी आंगाची ही करी, अपने आप को इस भोक्ता भोग्य के भेद में मिटा डाले. आंगाची सांडनी ही करी. इस प्रकार से जितना हम इस द्वैत का अनुसंधान करें, हम आपको दूसरी टेक्निक बताते हैं. कोई भी, ये टेक्निक भगवान रमण महर्षि की है, कोई भी विचार हमको जब बहा के ले जाता है तो फ्रस्ट्रेट होने की जगह उसको खींच के ले आओ. समझो हम ध्यान के लिए बैठे और उसके साथ वहाणी बह गए और फिर बड़ा फ्रस्ट्रेशन. व्हेन एवर आई सिट फॉर मेडिटेशन टेरिबल थॉट्स कम, और मुझे लगता है ये मेडिटेशन के कारण बुरे विचार आते हैं, इसीलिए मेडिटेशन बंद. अब इसका ये रिजल्ट निकालने की वजह, थोड़ा जरा शांति रख करके ये प्रयत्न करें. समझो हम यहां बैठे हैं, ध्यान कर रहे हैं और पहुंच गए, समझो कुतुब मीनार पहुंच गए, और कोई जरूरत नहीं कि वहां क्यों पहुंचे, पहुंच गए वहां. अब वहां से कूदने के पहले जरा ये सोचे मैं यहां पहुंचा कैसा. खेलो अपने मन के साथ, प्रेम से खेलो, झगड़ा नहीं, उसको मरोड़ना नहीं, उसके ऊपर अत्याचार बलात्कार नहीं करना, उसको धीरे धीरे समझाओ. अरे महात्मा जी तुम कुतुब मीनार कैसे पहुंचे? अच्छा हो गया नहीं कूदे. इसके पहले कहां थे? इसके पहले दिल्ली थे. लेकिन दिल्ली किस लिए आए? दिल्ली इसलिए आए कि कल रात को जब न्यूज पढ़ रहे थे तब वो जो उसमें क्लाइमेट के बारे में बताया था कि दिल्ली का क्लाइमेट बड़ा ठंडा होगा और बंबई बड़ी गर्म हो रही है, और जब मैं ध्यान करने के लिए बैठा तो बड़ी गर्मी हो रही थी, तब ऐसे लगा यदि दिल्ली के जैसी ठंडक यहां आ जाती तो. ओह ऐसे पहुंच गए महात्मा जी, वेरी गुड, नेवर माइंड, अब बंबई में बैठो. अगेन कलेक्ट, अगेन होल्ड ऑन, आफ्टर सम टाइम अगेन माइंड विल गो टू कोचिन. इट हैज गॉट एक्सपर्ट एक्सपर्टाइज. जहां पकड़ में आए फिर झगड़ा नहीं, धीरे 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 खींच के लिए आ गए. इस प्रकार से वेदक वेद्याचे पानी न पिए. लेट अस नॉट गिव अनड्यू इंपॉर्टेंस टू द एक्सपीरियंसेस दैट वी हैव एंड सफर बिकॉज ऑफ दोज एक्सपीरियंसेस, बट एनालाइज, जंप इन टू इट. और जहां हमने अपने अनुभव का योग्य प्रकार से विश्लेषण करना शुरू कर दिया उसमें कूद पड़े तो पता चलेगा प्रत्येक अनुभव चाहे अच्छा रहे बुरा रहे, प्रत्येक अनुभव आता है, थोड़ी देर रहता है और फिर चला जाता है. मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापायिनो अनित्याः तान्तितिक्षस्व भारत. कोई बात नहीं, आज भी ध्यान नहीं लगा तो नेवर माइंड, चलो अभी हम लोग साफ सफाई करते हैं. नेवर माइंड, घर की साफ सफाई करें इसी बहाने. और एक हाथ बार बैठे बैठे एकदम जहां प्रभु की इच्छा हुई अपनी इच्छा को प्रभु की इच्छा के साथ मिलाना, इससे बढ़कर के और कोई साधना नहीं.
झगड़ा नहीं होगा साधना करते समय, अपने आप को झुका दो। यही है परिसांडनी आंगाची ही करी, जहां हमने अपने इच्छा शक्ति को प्रभु की इच्छा शक्ति के साथ एक कर दिया, अपने क्रिया शक्ति को परमात्मा के क्रिया शक्ति के साथ एक कर दिया, और अपने ज्ञान शक्ति को भगवान के ज्ञान साथ मिला दिया, तो यह पुरुष अपने पुरुषत्व का त्याग करके परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। यही बात इस शिव शक्ति की वंदना में संत ज्ञानेश्वर महाराज कह रहे हैं, मैंने करी, इसलिए परिसांडनी आंगाची ही करी। और इसलिए ये ऐसा वंदन है कि जहां मैं वंदन करने वाला और जिसको वंदन किया गया, ये दो बातें नहीं है। पेथमी नमस्कारा लागी उरो दूसरा, तरी लिंग भेद परा जोड़ू जाओ। और ऐसा जो अद्वैत तत्व है, जो संपूर्ण सृष्टि में ओतप्रोत है, वहां मैं ये कहूं कि मैं ज्ञानेश्वर जाकर के शिव शक्ति को नमस्कार कर रहा हूं, तो मैं स्वयं ही द्वैत की निर्मिति कर रहा हूं। तो जो व्यक्ति द्वैत की निर्मिति करेगा, द्वैत का प्रतिपादन करेगा, उसको कहां शिव शक्ति के अद्वैत द्वैत की अनुभूति होगी। इसीलिए कहते तेथमी नमस्कारा लागी उरो दूसरा, इज इट एवर पॉसिबल फॉर मी टू बी अवे फ्रॉम द लॉर्ड एंड से ओ लॉर्ड आई सैल्यूट दी। जिसने कठोपनिषद ठीक से पढ़ा है, क्या उसके दिमाग में यह प्रश्न आएगा कि नचिकेत यमराज के पास कैसा गया? क्योंकि जिस प्रकार से कठोपनिषद में आखिरी जाकर के कहते हैं कि जो स्थान, जो अनुभूति, जो ब्रह्मात्मय की अनुभूति नचिकेत को प्राप्त हुई, वही सबको प्राप्त हो सकती है यदि उन्होंने नचिकेत के जैसे अपने जीवन को चलाया। और यदि हमने अपने जीवन को चलाया तो प्रश्न पूछने वाला नचिकेत भगवान के सामने कैसा चला गया, ये प्रश्न पूछने वाला ही नहीं बचेगा। और प्रश्न पूछने वाला नहीं बचेगा तो उत्तर की आवश्यकता नहीं होगी। जब हम थीसिस लिखने के लिए उपनिषद पढ़ते हैं ना, तब इन प्रश्नों का ऊहापोह करना पड़ता है, नहीं तो डिग्री नहीं मिलेगी। तो वो पेट के लिए तो करना ही पड़ता है, नेवर माइंड। लेकिन जहां तत्व का चिंतन हमको जीवन में उतारना है, यहां स्पष्ट लिखा है भगवान ने, तेथ नमस्कारा लागी उरो दूसरा, तरी लिंग भेद परा जोड़ू जाओ। तो हमने अभी तक जितना शिव शक्ति का विवेचन किया, वो शब्द छल मात्र होगा, केवल कहना मात्र। शिव शक्ति एक है और हम कौन है? हम उनसे अलग है क्या? वही शिव शक्ति एक रूप से इसी शरीर में एक साथ रह रहे हैं। जितनी इस अनुभूति की तीव्रता बढ़ती जाएगी, उतना व्यक्ति का व्यक्तित्व समाप्त हो जाएगा। और यदि हमारा व्यक्तित्व समाप्त होने लग गया, तो वी आर एट होम विथ एवरी वन, वी आर एट होम इन एवरी प्लेस, वी आर एट होम एवरी मोमेंट, वी आर एट होम इन एवरी सिचुएशन। ना तो कोई स्थान अटपटा लगता है, ना तो कोई कर्म में अच्छा बुरा लगता है। जैसे अग्नि को चाहे सैंडलवुड के मूर्ति में रखा हो या टेबल में रखा हो, अग्नि अव्यक्त रूप से जैसे चंदन के लकड़ी को सपोर्ट कर रहा है, उसी प्रकार से वह अग्नि इस ऑर्डिनरी लकड़ी को भी सपोर्ट कर रहा है। उसमें अग्नि को ये नहीं कि यहां तो मैं चंदन को सपोर्ट कर रहा हूं और यहां ऑर्डिनरी लकड़ी को, नहीं। उसी प्रकार से जहां हमारे अंतकरण में इस शिव शक्ति के समावेशन का ज्ञान और उसका सूर्य प्रकाश जहां उदय होने लग गया, वहां हमारे जीवन से मैं तू 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 की बात
हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। तीर्थमी नमस्कारा लागी उरो दूसरा तरी लिंग भेद भेद परा जोड़ू जावो। और अब ये 52वें ओवी में ज्ञानेश्वर महाराज अपने नमस्कार करने की पद्धति बताते हैं। इससे बढ़िया और किसी प्रकार से इस भाव को अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। भगवान कहते हैं, परी सोने नसी दुजे न होनी लेने सोना भजे, हे नमन करणे माझे तैसे आहे। जिस प्रकार से सुवर्ण का अलंकार सुवर्ण से अलग हो करके सुवर्ण को नमस्कार नहीं कर सकता, देखो उसी प्रकार से इस शिव शक्ति जगत के माता पिता को मैं नमस्कार करना चाहूं कि उनसे अलग रहूं तो ये ऐसे ही होगा। एक सुवर्ण के अलंकार ने सोचा कि मेरे जो माता पिता है सुवर्ण, उनको मैं उनसे अलग होकर के नमस्कार करूं। तो जिस प्रकार से सुवर्ण का अलंकार सुवर्ण को नमस्कार करता है, सुवर्ण के अलंकार का सुवर्ण को नमस्कार कैसे होगा? अपने नाम रूप का तिरस्कार। जहां उस सुवर्ण के अलंकार ने मैं अंगूठी हूं या अंगूठा हूं इस चक्कर से निकल करके जो तत्व है इस अंगूठी को या अंगूठे को सपोर्ट करने वाला, उसके प्रति अपने दृष्टि को लगाया तो उसके बाद कोई भी आकार में रहे। और फिर हम लोगों को समझ में आता है। तो काराम महाराज कहते हैं कि हमको हजार बार जन्म दो, डराओ मत। हम डरते क्यों हैं? जब हे भगवान आप नहीं डरे सुअर बनने को तो हम क्यों डरे? तत्व की दृष्टि में निष्ठा प्राप्त होने के बाद किसी भी प्रकार का भय, किसी भी प्रकार की घृणा न ततो विजुगुप्सते, किसी भी प्रकार का मोह शोक कभी भी जीवन में नहीं रह सकता। और असली वंदन ये वंदन है। इसीलिए प्रारंभ में भले हम अपने आप को सबसे अलग अलग करके अलग अलग करके अपने को साधक साधक बनावे, वो बहुत बढ़िया बात है, करना ही पड़ता है, प्रारंभिक अवस्था है। लेकिन अपने ज्ञान की परिणति यदि सार्वात्म्य भाव में न होवे और हम अपने आप को दुनिया से अलग करके रख दे तो अभी हमको बहुत आगे चलना है। इसीलिए परी सोने नसी दुजे न होनी लेने सोना भजे, हे नमन करने माझे तैसे आहे। द ऑर्नामेंट कैन सैल्यूट द गोल्ड ओनली बाय बीइंग द गोल्ड एंड डिसोसिएटिंग विथ ए पर्टिकुलर नेम एंड फॉर्म। It will continue to support all the names and forms. The problem is not with the name and form. The problem is with the insistence for a particular name and a particular form. Pari sone nasi duje na honi lene sona bhaje. Ye lene jo alankar sone se suvarna se dusra rahe karke bhajan nahi kar sakta. उसी प्रकार से हमारा नमन इस शिव शक्ति जो इस माता जगत के माता पिता है, उस माता पिता से केवल एकत्व की अनुभूति में ही है और दूसरा कोई भी इसके लिए उपाय नहीं। अब यह अद्वैत की नमस्कार करने की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया का विवरण 53वें ओवी से भगवान शुरू करते हैं और इस
अध्याय के आखिरी तक करते हैं। इसमें फिर उन्होंने अपने विशेषता के अनुसार ऐसे सुंदर सुंदर दृष्टांत दिए हैं कि प्रत्येक दृष्टांत हमको ध्यानाभ्यास करने की एक प्रक्रिया सिखा जाता है। और उनकी इच्छा हुई तो अगले क्लास में हम लोग ये प्रथम अध्याय समापन करेंगे। हमारी बुद्धि भेद का प्रतिपादन तब करती है जब उपाधि पर हमारा ध्यान जाता है। सभी साधना अपने ध्यान को उपाधि से हटा करके उसका जो अधिष्ठान है वहां ले जाने में है। और एक बार वहां के दर्शन हो गए, अपने असलियत का पता चला, फिर आ जाएंगे हम इसी जगत में खेलने के लिए, प्रभु के साथ उनकी लीला में सहभागी होकर। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।